दो ग्राफ एग्जाम में बनाने के लिए आ रहे हैं आजकल। एक ग्राफ आ रहा है एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल और दूसरा ग्राफ आ रहा है एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से एमिट हुआ, अब इसकी एनर्जी किस तरह वेरी करेगी? सीधी बात यह है, देखो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में से ये अल्फा पार्टिकल बाहर निकल गया, तो अब ये दो इंडिविजुअल पार्टिकल बन गए, एक बचा हुआ न्यूक्लियस और दूसरा कौन, अल्फा पार्टिकल। दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज हैं, दोनों के बीच में रिपल्शन होगा और इस रिपल्शन के कारण इनमें होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कि क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? यू इक्वल्स 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R। तो जब ये न्यूक्लियस से निकला है तब डिस्टेंस, न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस बहुत कम है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, और जैसे जैसे ये न्यूक्लियस से दूर जाता रहता है वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती रहती है। न्यूक्लियस से बाहर निकल गया जब अल्फा पार्टिकल, तब अल्फा पार्टिकल और बचे हुए न्यूक्लियस में आपस में रिपल्शन है, तो फिर ये पोटेंशियल एनर्जी किस टाइप की पोटेंशियल एनर्जी होगी? ड्यू टू रिपल्सिव फोर्सेज द पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव, ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेज द पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। जब तक ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर है, जब तक अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर है तब तक ये ओवरऑल किसके इन्फ्लुएंस में है? अट्रैक्टिव फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में है, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कैसी होनी है? नेगेटिव होनी है। ठीक है, ध्यान से देखिए आप, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर अल्फा पार्टिकल है। मैं अल्फा पार्टिकल को बना रहा हूं ऐसे, जिसमें कि दो प्रोटॉन्स हैं और दो क्या हैं, दो आपके न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, हालांकि हमें अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर अल्फा पार्टिकल बनाना बिल्कुल इररिलेवेंट है, क्योंकि जब तक ये न्यूक्लियस के अंदर है तब तक ये अल्फा पार्टिकल है ही नहीं, इट इज पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, पार्ट ऑफ न्यूक्लियस है ये। दो प्रोटॉन्स है, दो न्यूट्रॉन्स है, अल्फा पार्टिकल अभी ये है ही नहीं। और जैसे ही ये न्यूक्लियस से बाहर निकल कर आएगा, न्यूक्लियस से बाहर निकल कर आया, अब क्या बन गया ये? अब कहलाया जाएगा ये अल्फा पार्टिकल, अब ये अल्फा पार्टिकल कहलाया जाएगा। ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है और सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से ये अल्फा पार्टिकल की आपकी क्या बनी? डिस्टेंस बनी। जब तक ये न्यूक्लियस के अंदर अंदर है तब तक ये अल्फा पार्टिकल नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का ही एक पार्ट है, इसलिए इसकी एनर्जी कैसी होगी? जब ये न्यूक्लियस के अंदर है तो ओवरऑल अट्रैक्टिव फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में इसकी एनर्जी कैसी होगी? नेगेटिव होगी। तो अब हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सिंपल ग्राफ है बिल्कुल, y एक्सिस पर हम ले रहे हैं एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल और x एक्सिस पर ले रहे हैं डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। समझे, ये क्या है आपका x एक्सिस पर है डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल, कहां से? फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल का डिस्टेंस है कहां से? है सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से, करेक्ट। और ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये कौन सी डिस्टेंस होगी बताइए? ये डिस्टेंस है आपकी कैपिटल आर, विच इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ये कैपिटल आर है, करेक्ट। अब जब तक अल्फा पार्टिकल इस कैपिटल आर से कम डिस्टेंस पर है फ्रॉम सेंटर, मतलब वो न्यूक्लियस के अंदर अंदर है, तब उसकी एनर्जी कैसी है? नेगेटिव। नेगेटिव भी है और साथ ही साथ अनप्रेडिक्टेबल है, अनप्रेडिक्टेबल है। न्यूक्लियस के अंदर ऐसा नहीं है कि ये दो प्रोटॉन है तो अब ये प्रोटॉन ही रहेंगे, आपको पहले ही पढ़ लिया कि न्यूट्रॉन में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, है ना, तो वो एनर्जी नेगेटिव है, ये तो बात ठीक है। और पर न्यूक्लियॉन कितनी होगी, जो हमने पीछे कैलकुलेट कर रखी है। तो हम क्या बनाएंगे, हम ग्राफ को ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे से ग्राफ बनाते हैं, अनप्रेडिक्टेबल है, नेगेटिव है। ये हमने वाई एक्सिस पर क्या लिया है,
वाई एक्सिस पर लिया है एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, वाई एक्सिस पर निगेटिव, पर निगेटिव एक्सिस पर कैसी एनर्जी होगी? निगेटिव, और यहां कैसी होगी? ये पॉजिटिव हो गया आपकी। ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। R इज द डिस्टेंस फ्रॉम बिटवीन टू पार्टिकल्स। अब ध्यान से देखिए, जब ये बिल्कुल यहाँ सरफेस पर अल्फा पार्टिकल और निकलने के लिए तैयार में है, तब इस अल्फा पार्टिकल का डिस्टेंस सेंटर से कितना है? R, R है, करेक्ट। यहाँ सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, और जैसे जैसे ये दूर चलता चला जाएगा वैसे वैसे एनर्जी कम होती रहेगी। तो जब ये बिल्कुल सरफेस पर है, बिल्कुल सरफेस से निकला है, तब यहाँ इसकी वैल्यू कितनी ली जाएगी? कैपिटल R, विच इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। और फिर ये जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी कम। जब ये बिल्कुल सरफेस पर आया है, निकला ही है, जस्ट एमिट हुआ है, तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। और कितनी है ये पोटेंशियल एनर्जी? कितनी है ये पोटेंशियल एनर्जी? है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कैपिटल R, जहां Q1 है चार्ज ऑफ न्यूक्लियस और Q2 है चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल और कैपिटल R रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। और जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल यहां से दूर जाता है वैसे वैसे इस अल्फा पार्टिकल की एनर्जी क्या होती रहेगी? डिक्रीज होती रहेगी, वाई एक्स एक्सिस को ये कभी भी मिलेगा नहीं। और यहाँ एनर्जी कैसी है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। यहाँ आपने एक्स एक्सिस पर लिया हुआ है क्या? आर, डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। जब ये न्यूक्लियस से जस्ट निकलकर बाहर आया, सरफेस पर है, तब इसकी एनर्जी मैक्सिमम है, और जैसे जैसे दूर जाता रहता है वैसे वैसे एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होती रहेगी। जब तक न्यूक्लियस के अंदर है तब तक ये अल्फा पार्टिकल नहीं है, न्यूक्लियस का ये एक पार्ट है, और न्यूक्लियस के जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं इन सब की एनर्जी कैसी है? निगेटिव है न्यूक्लियस के अंदर, करेक्ट। तो अल्फा पार्टिकल जब तक न्यूक्लियस के अंदर है तब तक इसकी एनर्जी निगेटिव है, और न्यूक्लियस के सरफेस से बाहर आते ही एकदम निगेटिव से एकदम शार्पली तेजी के साथ पॉजिटिव हो गई। कितना पॉजिटिव? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। Q1 चार्ज ऑफ न्यूक्लियस और Q2 चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। और जैसे जैसे यहां से दूर जाता रहेगा वैसे वैसे एनर्जी डिक्रीज होती चली जाएगी। इस कर्व को बहुत गहरा ना बनाइएगा, इस कर्व को यहां इतना गहरा मत बनाइएगा, क्योंकि वो गहराई वाला कर्व होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ऐसे ही बनाइए जैसे ये, समझ रहे? बस इस टॉपिक में, इस ग्राफ में केवल 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 इतना ही क्वेश्चन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ग्राफ आपको बनाने के लिए एग्जाम में आया है, कई बार आ चुका। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल विद डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल विद डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस।